नमस्ते करें और रात को सोए तब नमस्ते करें। जब एक दूसरे से मिले, मान लीजिए कहीं बाहर से आए तब मिले, तो तब यहाँ पर ये करने का विधान मैं नहीं बोल रहा, ऋषि बोल रहे हैं। आजकल क्या रहा है, नमस्ते करने सीखे नहीं। किसी का कोई मेहमान आ जाए, बड़ा कर गए नमस्ते करियो, दोनों खोए मटका हुआ। क्यों? माता देखी नहीं, पिता देखी, कोई देखी नहीं नमस्ते करते। तो आप दोनों का ऐसा व्यवहार रखना है। अभी वे जैसे थोड़ा सा कुर्सी का है ना, इनका थोड़ा इसका हाथ लगा लिए, ठीक है, मान लीजिए उत्तासन का, ठीक है, जिनके नीचे नीचे। ओम विष्णु 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 है प्रतिग्रहता, बस बहुत बढ़िया। ओम प्रतिग्रहणामी लगी अब इनको दूर। ओम पादम पादम प्रतिग्रहता लीजिए आप। ओम प्रतिग्रहणामी दूसरे हाथ में पकड़ो आप इसको, छोड़ दे छोड़ दे। अब दाएं आप थोड़ा सा डुबो इसमें, दोनों पाँव के छीटे ले लो अपने, वापिस दे देंगे। ओम अर्घो 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 है प्रतिग्रहताम लीजिए, वापिस लीजिए। अब दोनों हाथ एक हाथ डुबो जेरे पर छीटा दो। ओम प्रतिग्रहणामी वापिस दे। ओम आत्मनियम 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 प्रतिग्रहताम, ओम प्रतिग्रहणामि की लीजिए। दो तीन पैर लाग गए तो एक एक घूट पर। ओम मधुपर को मधुपर को मधुपर का है प्रतिग्रहताम। ओम प्रतिग्रहणामि इसने कही उतना सा दूर रखा नहीं उड़ेगा पर अब यहाँ पर ये क्या क्रिया सिखाई विवे मनीषा, ध्यान से सुनिए सारी बात। ये सिखाया गया कि जब पति बाहर से आए तो पत्नी उसके आते ही उसका मान सम्मान करे, खूब आदर सत्कार करे, बैठन ने उसने आसन देवे, अगला उरे बैठे और फिर उसने पाद धोने खातिर पानी देवे, पाद धोने खातिर पानी दे दिया, फिर उसने मुंह धोने के लिए पानी देवे, फिर पीने के लिए पानी देवे और इतना होने के बाद फिर उसको भोजन देवे। तय बेचारा को यहाँ लेट हो गया, आजकल तो डर लग गया है लेट हो गया, आज करा ऊपर पढ़ूंगा जैसे सिर पर चढ़ेगी। ऐसा नहीं करना कि मड़ावार हो जाए बेचारे ने, अगर हाँ बढ़ना औखा हो जाए। अंधे खूब मान सम्मान करिए, उसका खूब आदर सत्कार करिए और फिर उसने भोजन दिए, ये मधु प्रग दिया और भोजन आपने चारों दिशाओं में डाला, यानी कि चारों दिशाओं में डालने का मतलब है हम गृहस्थ आश्रम में बिके हैं, इमारा ऊपर गृहस्थियों का यानी कि ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासियों का भोजन हमारे कंधे पर है, हम पशु पक्षियों को भी खिलावांगे, खूब मान सम्मान करांगे। यूं नहीं कि कोई ब्रह्मचारी आ जावे और देख कहीं चोटाला कड़े डाला पड़ गया, भोजन कराओ उसने बढ़िया तरह, जैसे धर्म ब्रज की देवी जी भी राज्यों का भोजन करवा करें, ठीक है ना। तो ऐसा मान सम्मान आपको करना है। इन्होंने जैसा भोजन दे दिया आपको वैसा ही भोजन है, कहते मित्र की दृष्टि से देख के खाना है। नू ने तू ग्राहकी सिखाई माना कुछ नहीं सिखाई, तने कुछ नहीं बनाना था, कुछ नहीं करना था, ऐसा कभी भी नहीं करना है। बोला ओ मित्र से तवा तक्षुषा प्रतीक से, बोला देवजी जिसा भोजन दे दिया ना, मैं मित्र की दृष्टि से देख के उसे खा लूंगा, कहते नाक चुकर नहीं करूंगा भोजन में, मैं ऐसा व्यवहार है आपके साथ है रखूंगा। आप दोनों ऐसा व्यवहार रखोगे ना, बोलिए मैं वचन देता हूँ। हाँ दोनों ने वचन दिया ऐसा व्यवहार करना है। अब एक बार करमवीर जी आ जाएंगे, धर्मवीर जी क्यों मरवा हो रहा है, सदा माल निजरा नहीं उड़े बे। एक बार इनका हाथ है उनके हाथ में देना, करण के हाथ है इनका, मनीषा का हाथ दाया हाथ, हाँ ठीक है ठीक। ओम अमु गोत्र उत्पन्नम, गोत्र क्या धर्मवीर जी, पोलिस मनीषा, हाँ पोलिस। ओम पोलिस गोत्र उत्पन्नम, ओम अमुक नामनिम, ओम मनीषा नामनिम अलंकृताम नाम प्रतिग्रणातु भवान। पंकज जी आप बोल, ओकरण जी आप बोलिए, ओम प्रति गृह नामी, मैं इसे ग्रहण करता हूँ, हटा लीजिए। कन्या के भाई ने अपनी बहन का हाथ वर के हाथ में दिया और कहा आप इसको ग्रहण कीजिए, इन्होंने कहा मैं इसे ग्रहण करता हूँ। अब एक मंत्र आया है,
ओम समंजन्तु विश्वे देवा समा पुरजानी नौ समा त्रिसा समधाता समुदेश त्रित धातु नौ। इस मंत्र का अर्थ सुनियो, बड़ा विशेष अर्थ है, बड़ा ध्यान से सुनना है। आप दोनों ने कहा है कि हमारे हृदय इसे मिल जावे जुगर दो पानी मिल जा रहे हैं। आप किते किते के दो पानी ले आओ और उन्हें मिला दो, दुनिया की कोई साई सुन अलग नहीं कर सकती कि हमारे हृदय ऐसे मिल जाने चाहिए जैसे दो पानी मिल गए, कोई बीच में आकर हमारे मन ना पाट सके, ना हमारे अंदर मतभेद हो, ना मन भेद हो, कोई हमें बका ना सके, भैया तो नू है या वो नू है, ऐसा कोई भी हमारे बीच में कुछ भी भाव ना पैदा कर सके। और अगली बात कहता, हम दोनों एक दूसरे को वायु की तरह प्रिय हूं। जुगर वायु है ना, दो मिनट सांस नहीं रोक सकते, बेचैनी हो जाएगी, तिलमिलाहट हो जाओगी, कि जुगर हमने वायु प्यारी है, इसी तरह एक दूसरे में प्यारे हो, दो मिनट खैतर भी एक दूसरे से अलग ना हो, ना मत भेद हो है और ना मन भेद हो है। फिर अगली बात, जल में त्याग भाव होता है, जितना गर्म करोगे जल निकलेगा, तो आप दोनों के अंदर त्याग भाव होना चाहिए। किसका त्याग है? अहंकार का त्याग। आज अहंकार लेके बैठ रहा सारा काम ने, पत्नी अपना अपना उससे बड़ा ही मानना है, पति उससे बड़ा मानना है, वो कहे मेरी चलनी चाहिए, वह कहे मेरी चलनी चाहिए, पर शास्त्र के कहे है यहाँ पर आया कि यदि पति पत्नी में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हो भी जावे ना, तो क्या करना है? पत्नी कहती है कि मैं मेरे अहंकार का त्याग करूंगी और मैं आपको मनाने के लिए दौड़ूंगी, और इधर से पति कहता है कि आपसे पहले मैं मेरे अहंकार का त्याग करूंगा और मैं आपको मनाने के लिए दौड़ूंगा। ये नहीं कि कोई थोड़ी सी होगी और जब इन कहे मैं तो ठहर धोला और चाली अपना घर गलत रहे करनी है, और ना फिर अगला कहेगा कि गलत तेरे भी ऐसा करनी है, फोन मैं भी नहीं करता हूँ, तेरी फटक काटनी है फल है। आजकल यहाँ फटक नहीं टूट रही है, एक एक जिले में दो दो करोड़ हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वो शास्त्र के अनुकूल नहीं चल रहे हैं। थोड़ी बहुत होगी तो एक दूसरे को मना ले, तो इस चीज का आपने दोनों ने पालन करना है, एक दूसरे का पालन करेंगे ना इस नियम का। हाँ बहुत बढ़िया। अब आप माची सुन लीजिए, जरूर मिलेगी। हाँ जी माची सर, ठीक ना ना रख दे, इसमें रख दे, इस दीपक ने यहाँ रख दिया, इस तरह इस तरह ये उठाकर भी यहाँ पर रख दे, जहाँ ये बस ठीक रख दे। ओम उद्बुद्धेस्वाग्नि प्रतिजाग्नि हितोमिता पूर्वे संसिते कामयं च अस्मिन् सदसे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। ओम आयं तद्मनात्मा जात वेदसे नेजस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्ने जातवेत्सेदन् नमः। ओम समिधाग्निं द्वेषते घृतैर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् अव्याजुहोतन। ओम सुसमिधाय शोचिषे घृतं दीपं जुहोतन। अग्नये जातवेत्से स्वाहा। इदमग्ने जातवेत्सेदन् नमः। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि ओम आयं तद्मात्मा जात वेदस्ते नेजस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्ने जात वेत्सेदन् नमः।
ओम आयंदयम आत्मा जात वेद तेरे ध्यस्व वर्धय सात्मान प्रजया पशु ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधये स्वाहा इदमग्ने जातवेत्ते दन्नमवान् ओम आयंदयम आत्मा जात वेद तेरे ध्यस्व वर्धस्व वर्धय सास्मान प्रजया पशु ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधये स्वाहा इदमग्ने जातवेत्ते दन्नमवान् ओम आयंदयम आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व वर्धय सास्मान प्रजया पशु ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधये स्वाहा इदमग्ने जातवेत्ते दन्नमवान् सामग्री इस तरह डालियो इसमें नहीं गिरा डायरेक्ट या आप डालो इसमें नीचे नहीं अग्नि कुंड में जाओ सी ओम चित्तम चे स्वाहा इदम चित्ताय इदन्नममय ओम चित्तस्य स्वाहा इदम चित्तय इदन्नममय ओम आकुतम चे स्वाहा इदम आकुताय इदन्नममय ओम आकुतिस्य स्वाहा इदम आकुत्यै इदन्नममय ओम विजातम च स्वाहा इदम विजाताय इदन्नममय ओम मनसे स्वाहा इदम मनसे इदन्नममय ओम दर्शस्य स्वाहा इदम दर्शाय इदन्नममय ओम रतंतरम च स्वाहा इदम रतंतराय इदन्नममय आप उठो एक बार आप उठ जाओ आप बैठ जाओ इस पर मान लो अब आप उस तरफ हो जाओ और अपने बाएं हाथ इस हाथ में उनका दाएं हाथ पकड़ो दाएं हाथ ऊपर कर दो हाँ ठीक है बिल्कुल अब इसको इसके ऊपर करो अभी नहीं सामने ये डालोगे तब थोड़ी इसको इसके ऊपर लोड करो इस हाथ ऊपर इसके ऊपर हाँ हाँ इसके ऊपर ऐसे कर ऐसे कर ओम कृपणामि ते सुभगत्वाय हस्तमया पत्यादर्दर्शी यथा सह भगवर्यमास्विता पुरन्द्रवयं त्वा दुर्गारह पत्याय देवः ओम भगस्ते हस्तमग्रभित्स्विता हस्तमग्रभित् पत्नितोमसि द्रवणाहं गृहपतिस्त्व ओम ममेवस्तु पोषयामहं त्वा दात् बृहस्पति मया पत्या प्रजावती संजीव सर्धः शतम् ओम तुष्टावासो वेदाच्छुवेकं बृहस्पतेः प्रशिषा कवीनां तेने माम नारिम सविता भगस्ते सूर्यामिव प्रदत्ताम प्रजया ओम इंद्राग्नि द्यावा पृथ्वी मातरिस्वा मित्रा वरुणा भगोस्विनो भा बृहस्पतिर्मरुतो ब्रह्म सोम इमाम नारिम प्रजया वर्धयन्तु ओम अहमिष्यामि मयि रूपमस्या वेद दिपस्यन मनसा कुलायं न ते मद्मि मनसो दमुच्ये संसदानो वृणस्य पाशान अब आप इस तरफ आ जाइए इस तरफ आ जाइए आप इस तरफ आ जाइए इसमें थोड़े से डाल दिए ये लोटा थोड़ा सा अंदर करते अंदर कर दो मनीषा अब आप ऊपर आ जाइए पर बिल्कुल कर दे बिल्कुल कर दे अंदर अंदर रख के अच्छा हो राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।